आज का टॉपिक ही हम लोग पहले तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो भारतीय संविधान के ये भाग पाँच में है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भाग पाँच। अगर अनुच्छेद की बात करें तो वैसे अनुच्छेद जो हम लोग को पढ़ना है वो 52 से लेकर 123 तक पढ़ना है, अध्याय एक। अध्याय एक वैसे 52 से लेकर 151 तक है, श्रम की कार्यपालिका। क्या है? श्रम की कार्यपालिका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम बात करते हैं परीक्षा के लिए, ये भारतीय संविधान से आपके प्रश्न जरूर से आते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन की भांति कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और हम एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी कराते चलेंगे, मतलब थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाते हुए चलेंगे, ताकि यहां से अगर परीक्षा में सवाल है तो एक भी सवाल आपका गलत ना होने पाए। एक बार जरा कंफर्म करिएगा आप लोग, मेरी आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो सभी साथी जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के राष्ट्रपति, भारत प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति, माने इस सवाल का जवाब आपका ए होगा। अगर आपने भी सवाल का उत्तर ए बताया है तो जवाब आपका सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हुए सवाल की तरफ। आप लोग फटाफट अंदाज में प्रश्नों के जवाब देते चलिएगा, क्योंकि यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आएगा, जब राष्ट्रपति टॉपिक से आएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा। यहां पर भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग कैसे करता है? सीधे तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। सभी साथी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जवाब जरूर देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, राष्ट्रपति सीधे कर सकता है या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा? राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो जवाब सही है। अभी देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। और संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। इसका भी जिक्र भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 में या उपखंड एक में इसका जिक्र किया गया है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जवाब दें और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो शेयर करेंगे सभी लोगों तक तो पहुंच जाएगा। और यकीनन जो भी साथी डेली क्लास में रहते हैं उनके लिए एक खुद का एक नोट्स बनता चलेगा, जहां जरूरत पड़े आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, यहाँ पर कार्यपालिका जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आगे देखेंगे कि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, नाममात्र की शक्ति किससे होती है, सारी चीजें। एक सवाल आ रहा है कि आवाज क्लियर नहीं, क्या एक बार कमेंट करके बताइएगा। लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। वॉइस साफ आ रही, वीडियो के साथ साथ जो वॉइस है मेरी, क्या आप लोग को एकदम साफ सुनाई दे रही है? कुछ किसी को दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है सवाल आपके सामने जो दिख रहा है, कह रहा है कि भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? सभी लोग कमेंट करें। और ये सवाल आते हैं, अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो क्या कर सकता है? कर सकता है। मेरा सवाल आप सभी से है कि अनुच्छेद 54 क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 54 क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अर्थात इस सवाल का जवाब क्या होगा? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी दिए हैं तो जवाब आपके सही है। आप लोग भी वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगला है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सभी तीनों में। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, यहाँ पर होगा कि भारत के राष्ट्रपति में, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की जो अधिशासी शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। यह किस पर लागू होती है? लोकसभा के अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर।
जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा इस प्रश्न का उत्तर बी, भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, वैसे इंपॉर्टेंट पूरा प्रश्न बैंक है, क्योंकि हम हमेशा ही कोशिश करते हैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जाए जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट बताइएगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की बात की जाए यहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में, जहाँ पर हमने पढ़ा अपने पढ़ा है कि भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार अगर, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने अनुच्छेद 54 के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था और पूछा भी था, ठीक है, हमने क्या कहा था, आपसे पूछा भी था 54 के बारे में। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जनता के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर प्रत्यक्ष की बात करें, जिसमें जनता वोट करती है, लेकिन यहां पर क्या है, जनता वोट नहीं करती। जिस चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, जैसे हम और आप क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तब उसे हम अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान करते हैं। लेकिन जिसमें आप मतदान करते हैं, जिसमें आप वोट करने जाते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। ये बात याद रखिएगा सभी लोग, क्योंकि एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और अगर आप समझ गए तो ठीक सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में, जी नहीं, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही, मैंने पहला तीसरा और चौथा था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर, मतलब प्रश्न में जिक्र किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, भाग लेते हैं। उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभा, 28 राज्यों की विधानसभा और यहाँ पे संसद के दोनों सदन का मतलब क्या है, निर्वाचित सदन, तो 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में, 28 राज्य की हो गई है, 28 राज्य। और केंद्रशासित की बात करें, दो ये हो गए केंद्रशासित। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। अगर आप टॉपिक को ध्यान से समझ लेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझ लेंगे, तो हमेशा के लिए पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे कौन से हैं? तो जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। तो जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली की अगर हम पुदुचेरी की बात की जाए, तो पुदुचेरी में अगर पुदुचेरी की हम बात करें, तो यहाँ पर जो लोकसभा है उसकी एक सीट है, लेकिन अगर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पे 30 सीट है। दिल्ली की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा के 7 है, अगर हम विधानसभा की बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे 70 है। तो ये दोनों भी प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सवाल का जो सही विकल्प होगा वो आपका बी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह समझ में आ गया। याद रहे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको ये भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अलग करके 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी तक उन्हें नहीं जोड़ा गया, लेकिन जल्द ही वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है?
यह प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं वाले प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग होते हैं और मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पे पढ़ रहे हैं किसी का भी ये गलत नहीं होगा। अगर आपने इसको गलत किया इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में कमी है या आपके पढ़ने में कमी है। तो सभी साथी लोग फटाफट अंदाज में इसका जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या कितनी है 543 सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिनकी सदस्य संख्या है 233। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लगभग 4300, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 4300, लेकिन राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही यहाँ पर सही होगा और इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प का हम लोग को चयन करना है वह है आपका डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, बाकी आपकी मर्जी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र कर लिया। ये देखिए गलती से टाइप हो गया, इसका कोई जिक्र नहीं है। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सही है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अच्छा, यहाँ पे अगर एकल विकल्प रूप में चुनना हो तो यहाँ पर यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। देख रहे हैं, एक ही लाइन में सारी बातें कह दिया, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब हम यूं कह सकते हैं इस सवाल का उत्तर जो होगा वो आपका डी है। तो आप लोगों ने भी शायद उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने डी दिया है। ठीक है, हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के होते हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य सही है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य सही है, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य सही है, राज्य विधानसभा के नहीं, मतलब राज्य विधानसभा के परिषद विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते क्योंकि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अप्रत्यक्ष नहीं होते, मतलब ऐसे मान लीजिए, वैसे तो राज्यसभा का भी अप्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के, तो यहाँ पर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी। तो आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया। देख रहे हैं, धीरे धीरे जब आप रेगुलर क्लास में रहेंगे तो आपको एकदम प्रश्न रट जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर यही होना है, कितना भी प्रश्न घुमाकर पूछे। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, ये देखते हैं, ये एकदम टेक्निकल सवाल है, आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि एनसीईआरटी की नोट्स, अगर आप लोग को एनसीईआरटी की नोट्स पढ़नी हो, एनसीईआरटी की, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है एनसीईआरटी की नोट्स, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी की नोट्स दो आती है, एक तो ओल्ड आती है जो कहीं खोजने पर नहीं मिलती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, न्यू काफी शॉर्ट हो गया, इसलिए अभ्यर्थी जो होते हैं जो एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं सिलेक्शन के लिए, वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, आपको यहाँ पर क्लास 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल का जवाब सभी लोग दीजिएगा, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, क्या कंडीशन होगी, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। वो स्वयं प्रत्याशी होता है, अगर वो स्वयं प्रत्याशी है तभी वो मतदान कर सकता है, जैसे भाई अगर वो प्रत्याशी है तो वो मतदान कर सकता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, उसे बहुमत सिद्ध करना शेष हो, और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। देखते हैं इस प्रश्न का आप में से क्या जवाब देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान उच्च सदन, उच्च सदन का यहाँ पे मतलब होता है विधान परिषद, क्या होगा, विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, वह स्वयं प्रत्याशी हो तो मतदान कर सकता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, यहाँ पे ये गलत है, और राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य का सदस्य हो, यहाँ पे निम्न का मतलब होता है विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करती है लेकिन विधान परिषद नहीं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। सी वालों के जवाब जो गलत है वही सही है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई, मतलब अगर राष्ट्रपति स्वयं प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री भी है तो मतदान कर सकता है, क्योंकि अगर वो विधानसभा का सदस्य है, लेकिन अगर विधान परिषद का सदस्य होकर मुख्यमंत्री है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जा सकते हैं,
ठीक, हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही जवाब कौन देता है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार में क्या आवश्यक नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब, बहुत सरल प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं और आपसे गलती होती है, तो हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि गलती ना होने पाए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए देखिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। अच्छा, और पढ़ा लिखा हो यह तो जरूरी नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, माने भारत का नागरिक हो। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बी, माने राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में पढ़ा लिखा होना जरूरी, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा का सदस्य बनना हो, विधानसभा का सदस्य बनना हो, राज्यसभा का सदस्य बनना हो, विधान परिषद का सदस्य बनना हो या मंत्रिमंडल का सदस्य बनना हो, उसके लिए भारत में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो आप बताइए आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। भाई अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे बताइए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें, राष्ट्रपति की योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है। इसका जिक्र कहां पर? अनुच्छेद 58 में है। तो भारत का नागरिक हो, जन्मा हो जरूरी नहीं। ये अमेरिका के लिए होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में ही जन्मा होना चाहिए, अमेरिका की धरती पर होना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। बस उसे भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा हो। इसी प्रकार उसे संसद में राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखा हो। संसद के सदस्य में क्या आते हैं? इसमें लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है, तो इसकी योग्यता रखता हो, इसकी नहीं। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल दो। सोचिए कूट वाले सवाल परीक्षा में आते हैं तो लोगों की गलती होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा पढ़िएगा। कौन कह रहा है कि ऑप्शन सही करिएगा? दो तीन करेक्ट है। कौन कह रहा है दो तीन करेक्ट है? जी नहीं, यहां पर केवल दो करेक्ट है, केवल दो करेक्ट है। तीन संसद का सदस्य नहीं, संसद नहीं, उसे केवल लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। संसद में दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, लेकिन हम यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे फिर से समझाएंगे कि उसे केवल लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना, अगर किसी लाभ के पद पर है तो उसे राष्ट्रपति का आवेदन करने से पहले उसे त्यागपत्र देना होगा, और यदि वह प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधान परिषद का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, तो जिस दिन वह अपने पद धारण करेगा उस दिन उस सदन से, उस स्थान से उसका पद रिक्त माना जाएगा, क्योंकि वह एक लाभ का पद नहीं होता है। और उसके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अगर इतना है तो आप ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, लोग ऐसे गलती करके जाते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि भारत के लिए राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की भी जरूरत पड़ती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल की तरफ, गलती मत करिएगा, इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास प्रतिदिन पढ़ा करिए एकदम समय से। और मेरी क्लास में सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो थ्योरी आपका अपने आप यहां से क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, ये सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग
देखिए इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 59 उपखंड 1 में कहा गया है कि यदि संसद किसी सदन या किसी राज्य की विधानमंडल किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता तो समझा जाएगा उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। मतलब चुनाव लड़ने से पूर्व सभी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा? जी नहीं, ऐसा केवल जैसे अगर आप चपरासी हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईएफएस हैं तो आपको त्याग पत्र देना होगा। चपरासी हैं अपने निर्वाचन क्षमा के अंदर ये भी नहीं है, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सांसद होना, विधायक होना, राज्यपाल होना, प्रधानमंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, मंत्री होना, ये लाभ का पद नहीं है, ये सेवा का पद है। किसका पद है? सेवा का पद है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, विकल्प को भी ध्यान से पढ़िएगा। एक से दो बार अगर आपने इस क्लास को रिविजन कर लिया आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे आपके संविधान से सवाल गलत नहीं होंगे। रेयर केस में गलत होंगे जो हो सकता है मैंने ना पढ़ाया हो या जहां तक आपका दिमाग ना काम करे। बाकी नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश पर है, वहां पढ़ सकते हैं, घर मंगा सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, आप संख्या बढ़ाइए, ऐसी क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूएसए में आपको भी पता होगा कि कोई व्यक्ति दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में अनलिमिटेड है। भारत में क्या है? अनलिमिटेड है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन करने के लिए। और भारत में दो बार राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए इनका पहली बार जो हुए थे वो हुए थे 1950 में। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें पहला दूसरा, इसके बाद कब हुए थे? 1952 से 1957 निर्वाचन से हुए थे ये, ठीक। फिर 1957 से 1962 निर्वाचन से। तो वैसे हम लोग जानते हैं बस यही दो बार कि दो बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन एक बार ये संविधान सभा के द्वारा मनोनीत हुए थे। अगर ऐसे देखा जाए लिखित परीक्षा में आएगा तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तीन बार राष्ट्रपति हुए संविधान सभा द्वारा। याद होगा आपको 26/1/1950। कितने लोग को बात समझ में आई कि भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार निर्वाचित होते हैं, 1952 से 1957 और 1957 से 1962, ठीक है। लेकिन एक बार वो संविधान सभा के द्वारा भी राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो तीन भी हो सकता है, दो भी होता है। अब ये लिखित परीक्षा हो, एमसीक्यू हो, परीक्षा पूछे ही के आधार पर होगा, लेकिन जब भी परीक्षा में आएगा तो यहां पे। और अनलिमिटेड बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। एक बात और, अगर भारत का कोई राष्ट्रपति, हाँ बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे, एक बात और हमेशा याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और उसके दौरान राष्ट्रपति ने पद भी ग्रहण कर लिया, शपथ भी ले लिया और उन्होंने कुछ फैसले कर दिए, उन्होंने कुछ विधेयक पारित कर दिया, अगर कुछ दिन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति बनने के दौरान अधिनियमों को, पारित किए गए अधिनियम को क्या असंवैधानिक भी माना जाएगा? मेरी बात समझिए, जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे और आप चुनाव जीत गए, जीतने के बाद आपके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, लेकिन चुनाव को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां से जजों का फैसला आने से पहले आपने दो तीन विधेयक पारित कर दिया, तो अगर आपका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो आपके द्वारा पारित किया गया विधेयक क्या संवैधानिक रहेगा या असंवैधानिक रहेगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए किए गए कार्य और विधेयक को पारित करना किसी प्रकार से
असंवैधानिक नहीं होगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में या ऐसे परीक्षाओं में जब कूट वाले सवाल आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा, अगर आपने इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ लिए होंगे या अगर हम लोग के थ्योरी की जो क्लास आपको इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है या जो आपने परीक्षा की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है, वहां पर इस बात को अच्छे से समझाया गया है, पढ़ाया गया है। कोई परीक्षा में गलती मत करिएगा, ऐसे भी सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। आप भाई अपने स्वविवेक के आधार पर कोई भी जवाब दे सकते हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकता है। मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन वह अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि घोषित होने से। अच्छा देखिए, इसके पहले जो ये था, सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव से कोई विवाद होगा, यह अनुच्छेद 71 में है, अनुच्छेद 71, 72 में क्षमादान है, 61 में महाभियोग है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 56 में दिया गया है। यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वो अपने पद ग्रहण से के दिन से 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति रहेगा। यदि 5 वर्ष में देरी होती है, तब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, यह बात याद रखिएगा। लेकिन उसका अगर कार्यकाल पूछेगा तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि कोई अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आने में 10 दिन 12 दिन 6 दिन 5 दिन यदि अतिरिक्त समय लगता है, तब भी वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री के आने तक प्रधानमंत्री बना रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए है, अगले राष्ट्रपति के आने तक पूर्व का पिछला जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बने रहेंगे। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो आपको भी पता है, ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। यह जो त्याग पत्र है, यह राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। इसका भी जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) में किया गया। इसकी तत्काल सूचना वह लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यह अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, या तो स्वयं मर जाए या त्याग पत्र दे दे, ठीक है। तो उसके अलावा उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। किसकी? महाभियोग। तो जो महाभियोग है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया है। ये संसद के किसी भी सदन में इसकी प्रारंभ की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कहीं से भी राष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रावधान है वो शुरू किया जा सकता है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। जिस सदन से प्रारंभ की जाएगी उसके 1/4 सदस्य हस्तांतरण करके देंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है। फिर इसके बाद यह राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति 14 दिन के पहले, मतलब महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। जब 1/4 साइन कर लेंगे तब राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है अपना पक्ष रखने, या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेज सकता है। उसके बाद अगर सदन में 1/3 बहुमत से पारित होने के बाद अगले सदन में भी 1/3 से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, और अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। यहां पर यह बात याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, सभी लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और खासकर जब हम परीक्षा के लिए बात करते हैं तो भैया रट लो, सिलेक्शन वाले टॉपिक है। ठीक, समझ में आ गया? एकदम अच्छे समझा दिया आपको। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े, आई की आवाज साफ आ रही, कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्लियर होगा सबका? तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 क्या है?
राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक। मेरा से मतलब ये है कि आप लोग ये जरूर बताएं अनुच्छेद 75 क्या है, अनुच्छेद 76 क्या है, ये दोनों अनुच्छेद मैंने पढ़ाया, अगर आप लगातार क्लास में बने होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इस तथ्य को, ठीक है। आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ भी रहे होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 61 होगा। आगे भी हम क्लियर कर देंगे, 76 और 75 आगे पढ़ने को मिलेगा। महान्यायवादी क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। मैंने भी बताया संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन एक चौथाई मतलब एक चौथाई, यह बात कॉन्सेप्ट समझते रहे, एक चौथाई से लगाया जाएगा और फिर एक तिहाई से पारित होगा। दोनों बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति महाभियोग संसद किसी भी सदन में लगा जा सकता है। तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा और फिर राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी उसके पास है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को, चलते हैं और आगे। अगला आपके सामने क्या रहा है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है। तो याद रखिएगा 14 दिन पूर्व, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए उसे 14 दिन पहले सूचना देना, लिखित सूचना देना होता है। कैसी सूचना होती है, लिखित सूचना देना जरूरी होता है और एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और उस सदस्य की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए, कम से कम 2/3 ना। आगे चलते हैं, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे यह देखना है कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे लेते हैं। के बाद देखिए, लोकसभा, जो लोकसभा है ये वोट करता है, महाभियोग यहां भी पारित हो सकता है, राज्यसभा वोट भी करता है महाभियोग, लेकिन राज्य की विधानसभा महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेती, बस केवल संसद के दो सदन, मतलब यहां, ठीक है, ये तो भाग ही नहीं लेता, इसका कोई मतलब ही नहीं। ये वोट तो करता है राज्य का विधानसभा, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर ये वोट भी करते हैं लेकिन ये महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये महाभियोग की प्रक्रिया में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का जवाब जरूर आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव यहां पे देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब चीजें इंपॉर्टेंट हो तो हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग इस सेशन को पढ़ें और अच्छे से समझें। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर। तो राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक के लिए किसी भी दशा में खाली नहीं रह सकता, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में आपको मिलता है। चाहे वो अपना त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसे पद से हटा दिया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, तो उसके कार्यकाल पूरा होने से 6 माह के अंदर प्रत्येक दशा में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति होने से 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 7 माह 9 माह, यहां पर होगा रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के अंदर आपको निर्वाचन करा लेना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ,
भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद रिक्त भरने की सीमा कितना है? 6 माह। मतलब आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, 6 माह दिया है, तो जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र, हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो यदि राष्ट्रपति नहीं है उनकी अनुपस्थिति में, जी हाँ, यह हमेशा याद रखिएगा कि उनकी अनुपस्थिति में उनका जो कार्यभार है वो भारत के उपराष्ट्रपति देखेंगे। जब तक उपराष्ट्रपति, ठीक है, जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे तब तक उनके वेतन और भत्ता जो है वो राष्ट्रपति को ही मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा हमेशा से, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है या त्याग पत्र दे, मृत्यु हो जाए या कार्यकाल उनका खत्म हो जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने भारत के सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, उन्हें कार्यभार राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वो भी नहीं है तो उनसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो समय समय पर उपलब्ध होते रहते, इस तरह वो राष्ट्रपति कृत्यों को संपादित करेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी कौन धारण करेगा? भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, प्रतिम कोई नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। आपको याद होगा कि जिस समय जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उनके बाद कार्यभार उपराष्ट्रपति बनाए गए थे बीवी गिरी जो थे, और उन्होंने त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना शुरू किया राष्ट्रपति का, तो उस समय एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? सभी लोग फटाफट जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यूं क्या तो झोला भर भर के पूछे जाते हैं। बताइए सभी लोग, यहां पर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978। मैं इस बात को समझाना चाहूंगा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 74(1) में परंतु जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, माने वह मंत्रिपरिषद को भी कोई भी मामला है तो वापस कर सकता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर? तो याद रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, याद है, जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका प्रमुख पीएम होता है अर्थात प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है, ये उसका जो राष्ट्रपति की शक्ति है, ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है ये अनुच्छेद 74 उपखंड 1 में है। मतलब ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कार्य कर सकता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्री सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, लेकिन यहां पर मंत्री शब्द का मतलब कैबिनेट मंत्री से होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा की गई लोकसभा के समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं। जैसे कोई लोकसभा को भंग करने की बात कर रहा है और सरकार गिर जाए, लोकसभा में बहुमत न साबित हो पाए, तो उस दशा में राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, वह अपने स्वविवेक की शक्ति से काम करेगा, ठीक, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। अगला हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा किसकी अनुशंसा पर? तो भारत राज्यसभा पे मुख्य न्यायाधीश जी नहीं, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे, सलाह पर, माने अनुच्छेद 74 उपखंड 1 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन अगर लोकसभा में मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाए या सरकार गिर जाए, उस दशा में मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत
भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, कौन बुलाता है, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उस बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता, जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर तो ए होगा, ठीक है। दोनों सदनों में जब कोई विवाद होता है, कोई गतिरोध होता है, उसे समाप्त करने के लिए भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और अनुच्छेद 118 खंड 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आपके साथ। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा स्पीकर के द्वारा क्या होती है, अध्यक्षता की जाती है, अध्यक्षता की जाती है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 उपखंड 4 में। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन एक बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है, किसके तहत, 108 के तहत। भारत के राष्ट्रपति संबंधित कथन में कौन सा एक सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। यह सवाल जब आता है तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक दोनों वर्ष दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पे देख रहे हैं वह जवाब जरूर देंगे, किन्हीं भी दशा में अध्यादेश जारी कर सकता है, यह सवाल पूछा जाता है। तो यह है आपका अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत किन्हीं परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो संसद का एक संगठक है भारत का राष्ट्रपति, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो यहां पर ये गलत है। वह प्रत्येक दो वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है। देखिए अनुच्छेद 86 उपखंड 1 की अगर हम बात करें तो सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हम आपको किसको, बी को कलर करेंगे। हम अगले सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किंतु किसी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, कब, मतलब किसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। जी हां, जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जी नहीं, जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो, अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम अथवा कानून बन जाता है। अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत हो और वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो याद, हिंदू कोड बिल, पेप्सी विनियम विधेयक, भारतीय डाक संशोधन। तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो था इसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो का प्रयोग किया था। उस समय कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो इन्होंने डाक संशोधन पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन सा वीटो था, अपना वीटो, माने कौन सा वीटो का नाम था, पॉकेट वीटो, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा। अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होती है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉकेट वीटो जो है वो राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से कर सकता है, लेकिन जो अत्यंतिक वीटो होता है वो मंत्रिपरिषद की इच्छा से होता है। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही होगा। देखिए पेप्सी विनियोग विधेयक के मामले में 1984 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो लिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1954 में अत्यंतिक वीटो था,
यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत्यंतिक वीटो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिया था, लेकिन ये अत्यंतिक वीटो था। यहाँ पे जो वीटो है, भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी वीटो का प्रयोग, अपना वीटो मतलब ये पॉकेट वीटो होता है, ठीक है, ये आंतरिक वीटो था। और ज्ञानी जैल सिंह ने 1980-86, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी होगा, बी कितने लोग बता रहे तो बी ही नहीं होगा। अगला सवाल है कि किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान समदाली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी बीटो के नाम से जानते हैं? सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम, तो ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी बीटो का प्रयोग किया था, जेबी बीटो कब किया था? 1986 में, ठीक है, भारतीय डाक विधेयक संशोधन बिल पे। राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय के लिए रख लेता है, तो वह अपनी सहमति देने या रोकने की घोषणा भी नहीं करता और उसे पुनर्विचार करने के लिए भी नहीं लौटाता, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। जेबी वीटो को ही हम पॉकेट वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। अगला है आपके सामने, भारतीय संविधान के संक्षेप के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो सभी लोग जवाब देंगे, तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 111 होगा। अपनी स्वीकृति दे सकता है और उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस भी कर सकता है, तो यहां पर इस प्रश्न के उत्तर क्या होगा? धन विधेयक को वो पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता, याद रहे, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं वापस कर सकता। अगला है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो उनमें से किसको उस विधेयक पर अनुमति पर रोकने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद किसी विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, उन्हें पुनर्विचार करने के लिए वापस भी भेज सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। संविधान संशोधन और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वापस संसद को नहीं भेज सकता, लेकिन अगर यह भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस करता है, संसद अगर वापस उसे फिर से या संशोधन करके कुछ या तो ज्यों का त्यों वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य होगा। यह भी आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि यहां से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी गलती आप यहां से करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। एक सामने प्रश्न है, राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्तियां निम्नलिखित में से किनके किनके लिए हैं? पहला, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, किसकी काम पर? पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर। तो यहां पर यह गलत हो गया, विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, जी हां, यहां पर यह बात याद रखिएगा कि वह विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज सकता है। विधेयक को रोक कर रखना, वीटो भी जेबी वीटो ने पढ़ा है। क्षमा प्रदान करना, क्षमा प्रदान भी किससे करता है? वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। ये कूट वाले सवाल है, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, यह काम विधेयक को आपत्तियों से भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, ये भी सही है, ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन का सूचना जारी करना, ये इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है। फिर कह रहा है कि संसद न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यहां पर हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं, राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति सभी पर अपनी आपत्ति लगा सकता है, सभी पर अपनी आपत्ति लगा सकता है और उसे उसको वापस भी भेज सकता है। विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है, किसकी? मंत्री परिषद की सलाह पर। क्षमादान भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ही होगा। 2, 3,
6, 2, 3, 6 यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विकल्प में ई होगा। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, किस विषय पर मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। राजदूतों की नियुक्ति पर सलाह लेना है, विधेयकों पर स्वीकृति देना, इनमें नहीं लेना है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना, इस पर भी लेना है। लोकसभा भंग करने पर भी लेना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो गलत है वही हमारा सही है, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो इसका जवाब सही होगा। राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 111 में जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के सामने आएगा, तो राष्ट्रपति वो उस विधेयक को स्वीकृति देगा, रोक भी सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों को पुनः विचार करने के लिए लौटा भी सकता है, यदि विधेयक द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास संसद भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए पारित करने के लिए बाध्य होगा। अगला है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। सभी लोग जवाब जरूर दीजिए। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति माने जो कानून से संबंधित हो, तो कानून बनने का अधिकार अनुच्छेद 111 में जब किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति कानून बनने देता है, या अध्यादेश जारी करना, या अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के द्वारा, यह एक उसकी विधायी शक्ति है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब सही है। ठीक है, संसद की बैठक स्थगित करना, तो जो संसद की बैठक स्थगित करना है तो ये राज्यसभा लोकसभा की बैठक को स्थगन का अधिकार इनके जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा है और राज्यसभा के अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि संसद का एकंग होने का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या अनुमति विधारित करता है, तो विधायी कार्य कर रहा होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए संसद के दोनों सदनों से, जैसे सदन के सदनों में सत्राहूत करना, संसद सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा के सदस्यों को, जो 12 सदस्य को मनोनीत करना, तो ये विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेक कार्य, जैसे अध्यादेश द्वारा कानून बनाना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस विकल्प के आधार पर होगा। 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश कर सभी विषयों पर कानून बना सकता है जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति होती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, ये काफी विवादित सवाल हो सकता है। आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जो आज का आखिरी सवाल है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी, सभी लोग बताइएगा। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, जहाँ पर सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, वीडियो पूरी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लास या नोट्स नहीं लिया है तो उसके संबंध में जानकारी ई-लर्निंग विद दुर्गेश से ऑफिस से ले सकते हैं। मेरे द्वारा ये क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है, ताकि अब की बार एक सीट हमारा, ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है। आप सभी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी के ओल्ड नोट्स और नए नोट्स, इन दोनों की जो नोट्स है ये आपके ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और आप प्ले स्टोर से आज ही इनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंतर्गत उसे सहमति दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, चुनावी सुधारों पर अध्यादेश, चुनावी सुधारों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान दिया होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश 123, राज्यपाल जारी कर सकता है, तो राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, कमेंट करके बताइएगा, अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल का अध्यादेश
213 और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, यह भी मैंने कई बार पढ़ाया है। अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट। हमारा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। आप लोग समय याद रखिएगा, अपने साथी मित्रों को बता के रखिएगा, अपने 10-10 साथियों को बता के रखिए कि जी हाँ, आपकी जीएस की सीरीज वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन जीएस के रूप में इलर्निंग दुर्गेश पर एक सीरीज चल रही है अभी इस समय भारतीय संविधान की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए जुड़िएगा, नोट्स बनाइएगा और जरूरत पड़ेगा घर बैठे भी नोट्स मंगा सकते हैं इलर्निंग दुर्गेश से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।